बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं दिखा रहा हूँ आपको शोहरान बाज़ार की कंडीशन। तकरीबन सुनसान हो चुका है, लोगों की बहुत कम तादाद आ रही है आजकल। महंगाई ज़्यादा है और सीज़न भी ऑफ हो गया, छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं, लोगों का आना भी कम हो चुका है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ शोहरान बाज़ार की सबसे पहली दुकान जो होती है, ये गर्म हमाम की है। उसके बाद फिर आगे थोड़ा सा आते हैं, ये नीचे एक रास्ता जाता है पैराडाइज होटल, तो ये आ गया लोरी बर्गर। उसके साथ है जी मलका पर्वत, ये दुकान बंद है। थोड़ा सा आगे आए हैं, ये आपको मिलेगी कॉफ़ी की मशीन। उसके साथ है जी अयान मोबाइल शॉप, ये खुली है इस वक्त। उसके साथ है जी ये भी एक दुकान है, ये बंद है। कॉफ़ी की मशीन भी बंद है। उसके आगे ये बर्गर वाली दुकान जी खुली है। आगे एक दो दुकानें बंद हैं, कोने में एक और दुकान खुली है। ये गेस्ट आए हुए बाबा पान शाप वाले भी खुले हैं अभी, लेकिन बाज़ार में रश नहीं है बिल्कुल भी। थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं बाज़ार की कंडीशन। छोटा सा बाज़ार है, दो मिनट में ख़त्म हो जाता है। ये दुकान भी बंद है, ये भी बंद है जी। खैबर रेस्टोरेंट है, ये खुला है जी। ये एक शॉल वाली दुकान खुली है। शाह साहब सोते पे हो? सोते रहो सोते रहो, मैं आ गए, वापस आ रहे हैं। ये काम है ना, वीडियो बनाने पे नहीं। उसके आगे जी चौधरी साहब, चौधरी साहब भी सोए हुए हैं। चौधरी साहब कभी कभी जाग भी लिया करो ना, दिन रात सोए रहते हो। आप तो सीजन में भी सोते रहते हैं, आपकी जगह ऐसी है ना, बंदा दो दफा भी सोया तो नहीं नींद पूरी होती। ये करियाना शॉप है, ये बंद है। अनीफ शॉपिंग सेंटर वाले, हाँ यार भाई, ये भी सॉरी भाई। बशारत शॉपिंग सेंटर भी बंद है। मेन बाजार बस यही तक है, आगे एक दो दुकान है, लेकिन प्रॉपर बाजार जो है वो यहीं तक है। बंदे सो रहे हैं, गाग का नाम निशान नहीं है। आगे आला मालिक है। ये थी जी आज की वीडियो, बाज़ार की सूरत हाल मैंने आपको बता दी। रूम रेंट की बात करें तो भी काफ़ी मुनासिब आपको कमरे मिल सकते हैं, और जीप रेंट भी काफ़ी मुनासिब हो चुका है। खाने पीने की इशे का वही रेट है।